की, भारतीय जनता पक्षे के, भारतीय जनता पक्षे के, राष्ट्र कांग्रेस सरकार के, राष्ट्र कांग्रेस सरकार के। देखिए, राज्यपाल का जो जो स्थान है वो बहुत बड़ा स्थान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या उपराष्ट्रपति के बाद अगर कोई महत्व का एक स्थान है तो वो गवर्नर का स्थान है। वैसे स्थान पे जो भी व्यक्ति है, और वो भी जो गहलोत जी, वो अनेक बार पार्लियामेंट मेंबर बन चुके हैं, वो असेंबली मेंबर भी थे, वो दो तीन बार राष्ट्र में वो मंत्री भी थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को अच्छी तरह समझते हैं। और वो आदमी काफ़ी समय लेके, जब परमिशन दिया गया कि सिद्धरामैया को आप इन्वेस्टिगेटेशन करना है, प्रोसिक्यूशन करना है, तो उसके मान रखते हुए सिद्धरामैया को पहले रेजिग्नेशन देना चाहिए। और मुझे बहुत दुख की बात होता है, सिद्धरामैया क्या बोलते हैं, मैं बहुत क्लीन आदमी हूँ, मेरे ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। अरे भाई, तुम चीफ मिनिस्टर रह के, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट रह के, दूसरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को आप इज्जत नहीं देते, और बोलते कि उन्होंने रिजाइन करना, क्या बात है ये? यू आर सिटिंग ऑन अ चीफ मिनिस्टर पोस्ट, और मैं बोलता हूँ उनको शर्म होना चाहिए ऐसे बात वो कहते हुए। और राहुल गांधी जी को भी मैं विनती करता हूँ, आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई मान्यता देना चाहते हैं, आपका पक्ष अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता देना चाहता है, तो सिद्धरामैया से रेजिग्नेशन आप खींच लो। पहले वो रेजिग्नेशन जाना चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन होने दो, प्रोसिक्यूशन का कार्रवाई चलने दो, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन गवर्नर को तुम रेजिग्नेशन देना, ये सबसे बड़ी गलत बात है मैं समझता हूँ। या सिद्धरामैया रहने दो, या आईवान डिसोजा रहने दो, या कोई भी मंत्री रहने दो, उनको पहले उनके ऊपर केस बुक करना चाहिए और उनको बियॉन्ड द बार डालना चाहिए। सर, जिस तरह से एक प्रोसिक्यूशन के आदेश से राज्यपाल के इतने प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन से जो है वो डर रही है कांग्रेस के। देखिए, ये सारा मामला जो भी है, सभी लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। वो भले वाल्मीकि का हगरण हो, एक दूसरे राज्य को स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से अगर पैसा जाता है तो मुख्यमंत्री ही बोलना चाहिए और कोई नहीं बोलेगा। तो उसमें भी 89 करोड़ तेलंगाना को गया, लेकिन हकीकत यह है कि बैंक का जो उनका जो अकाउंट है, दूसरा एक अकाउंट जिसको परमिशन नहीं है निकालने के लिए, वहाँ पे अकाउंट निकाल के वो पैसा अगर ट्रांसफ़र करता है, तो मैं बोलता हूँ ये पूरा हमारे मुख्यमंत्री के नाक के सामने ये सब हो रहा है। उसी तरह मोड़ा के जो भी चल रहा है उधर, मुख्यमंत्री जानते हैं, उन्हीं के इन्फ्लुएंस से वो डीनोटिफाई भी हो गया है, और आज है ना ये बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं और मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी बीवी इन्वॉल्व है। ये एक मुख्यमंत्री हो के ये बात नहीं कहना चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर सिद्धरामैया को थोड़ा भी अगर उनकी अगर इज्जत को ना उन्हों अगर अमन मतलब इज्जत को अगर उसके बारे में सोचते हैं, तो पहले रेजिग्नेशन दो। रेजिग्नेशन देने के बाद लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस, और अगर आप प्रूव कर लो कि आप उस इसमें कलंक में मैं नहीं हूँ, बाद में है ना लॉर्ड लेट इट सो टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों रेजिग्नेशन देते हैं, ताकि आप कोई कागज या कार्रवाई आप अपने अपने वश में नहीं रख लेना, स्मूथ इन्वेस्टिगेशन हो, इसीलिए उनको रेजिग्नेशन देने के लिए हम पूछते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नगर और ग्रामांतर जिले दोनों ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आज कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी है, फिर उसका कैबिनेट का मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा हो, आईवान डिसाजा हो, सब लोग हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी के बारे में गलत शब्द उपयोग कर रहे और निंदा कर रहे, जो उनका गलती नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से जो पक्षातीत के हिसाब से काम कर रहा है हमारा गवर्नर, सभी पार्टी को एक तरफ से एक जैसा देख के वो कानून में जो एक्ट है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, मगर ये लोग एक गवर्नर को बेइज्जती होना के जैसा बात कर रहे, ये सही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी खंडन करते हैं और हमारे राज्य अध्यक्ष विजेंद्र राणा जी के नेतृत्व में आज खाली कलबुर्गी नहीं कर्नाटक में हर जिले में ये प्रोटेस्ट हो रहे। अगले दिन आगे के दिन में अगर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने राजीनामे इस्तीफा नहीं दिए तो अभी आगे के दिन हम कलबुर्गी बंद करने का ऐलान हम आज कर रहे और पूरा भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता इसके खिलाफ है और हम जो लोग कृष्णा बैरेगौड़ा और हरिवन डिसोजा है वो लोग अपने पद को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि हमारा एक रेपुटेड एक हॉनरेबल गवर्नर को बेइज्जती होने के जैसा बात कर रहे ये भारतीय जनता पार्टी से खंडन करते हैं और हम सिद्धरामैया का इस्तीफा अभी मांग कर रहे हैं।